के आ गया। ये गर्म हो रहा है बहुत, ये वेट चेक कर रहे हैं, ये चालू नहीं हुआ है मशीन का पैकेट का वेट कर लीजिए। अच्छा अभी ऐसी पैकिंग हो रही है बिना वेट के, दो महीनों में चेक कर लीजिए। अच्छा हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज आपको दिखाने वाला हूँ बरेली की बहुत ही फेमस फैक्ट्री, जो कि यूपी की बहुत ही बड़ी एक फैक्ट्री है, कोका कोला फैक्ट्री, जहाँ पर कई ब्रांड बनाए जाते हैं, जैसे कि किनले का पानी जो आप लोगों ने अधिकतर पिया होगा, किनले, तो उसकी पानी की बोतल आपने पी होगी, तो वो ब्रांड बनाया जाता है। और बहुत ही फेमस जो है माजा, जो है माजा आपने सुना होगा, कोल्ड ड्रिंक में माजा पीते हैं, तो माजा का ब्रांड पूरा वहाँ बनता है, कोका कोला बनता है, लिम्का बनता है। तो पूरी फैक्ट्री दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ, अंदर कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे काम चलता है और कितना हाइजीन का ध्यान रखा जाता है दोस्तों, तो सारी चीज़ दिखाऊंगा। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं कि बरेली में फैक्ट्री है, परसाखेड़ा में, तो बहुत ही शानदार और काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, काफ़ी अच्छी स्तर पे जो है काम हो रहा है, और काफ़ी दूर दूर जो है इसका माल जाता है, और दिखाता हूँ दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, तो दिखाता हूँ आपके लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, हम लोग आ चुके हैं फैक्ट्री के अंदर। तो हमने सबसे पहले देखा कि बेल्ट पर कैसे लिम्का जो है चेक हो रही है, लिम्का की बोतल जो है आ रही है यहाँ पर और चेक हो रही है, एक एक बोतल चेक हो रही है, और चेक होके फिर यहाँ से आगे मशीन में प्रोसेसिंग होगी। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर एक ये बैठे हुए हैं और यहाँ से एक एक बोतल चेक करते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं है बोतल में, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। उसके बाद इसमें फिलिंग होना स्टार्ट होगी, और ये देखिए दोस्तों बेल्ट कैसे चल रही है यहाँ पर, तो कितना शानदार नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ये तीन बॉटलें आ गई, यहाँ से हटा दी जाएंगी, क्योंकि ये जो है कोई डिफेक्टेड बॉटल्स हैं, इनको हटा दिया गया है यहाँ से। और आप लोग देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर वर्कर काम करते हैं उनके सर पर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का कैप लगा हुआ है, जिससे एक भी बाल अंदर ना जा सके किसी प्रकार से। आगे दिखाता हूँ दोस्तों ये बेल्ट किस तरह से चल रही है अंदर मशीन में, ये देखिए दोस्तों अंदर मशीन के अंदर का नज़ारा देखिए, और ये देखिए दोस्तों, तो ये मशीन के अंदर ये घूम कर जा रही है, फिर इसमें अंदर फिलिंग होगी। और अभी हम जा रहे हैं दोस्तों जहाँ पर माजा जो है वो भी दिखाऊंगा आपके लिए। और दोस्तों ये देखिए पूरी बेल्ट चल रही है, मशीन कितने तेज़ काम कर रही है, लगभग एक मिनट में 400 बॉटल जो है बनाई जाती है यहाँ पर, और रिसाइकिल भी की जाती है दोस्तों। रिसाइकिल का मतलब ये है कि अच्छे से धोकर और उसको दोबारा से फिलिंग कराई जाती है। तो दोस्तों आगे हम लोग चल रहे हैं और आगे आपको दिखाने वाला हूँ जो माजा का जो टेट्रा पैक होता है, छोटा पैक होता है, वो भी यहीं बनाया जाता है दोस्तों। तो थाईलैंड से उसका पेपर आता है, और उस चेन के लिए जहाँ पर वो फैक्ट्री लगी हुई है, मशीन लगी हुई है, जो वो पूरा एक सेक्शन अलग है, और उस सेक्शन में जाने के लिए सबसे पहले हमें हाइजीन का पूरा पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो हाइजीन का ध्यान रखने के लिए हम लोगों ने, जो भी साथ में हम लोग थे, तो सब लोगों ने पहले पैर में ये प्लास्टिक की जो पॉलिथीन होती है तो ये पहनी है, ये देखिए दोस्तों। और काफ़ी सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पर, क्योंकि हर इंसान की एंट्री नहीं है, तो देख सकते हैं हम लोग विजिट करने गए थे तो हम देख पाए सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों नज़ारा, तो सब लोगों ने, हम लोगों ने सर पे ये इस टाइप की कैप लगाई है, देखिए दोस्तों मैंने भी लगाई है, और ये मैं पहन रहा हूँ अब, देखिए ये प्लास्टिक की पॉलिथीन टाइप की है, ये पहन रहा हूँ पैर में। और इसको पहनने के बाद जो है हम लोग हाथ सैनिटाइज़ करेंगे खूब अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद हमारी जो है अंदर एंट्री होगी, जहाँ पर माजा का जो छोटा पैक होता है, टेट्रा पैक होता है, वो पैक हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, और ये पूरा एसी है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पर गंदगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल सफाई से काम हो रहा है, और काफ़ी बड़े स्तर पे काम हो रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है ये, और बरेली में परसाखेड़ा जैसी जगह पर ये फैक्ट्री बनाई गई है। तो देखिए दोस्तों हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर गेट पर ही सैनिटाइज़र लगा हुआ है, जिससे हम अंदर एंटर होंगे तो सब लोगों को हाथ पहले सैनिटाइज़ करना है, कि अगर हम लोग कहीं पर भी हाथ लगाते हैं या कुछ भी छूते हैं तो कोई भी चीज़ जो है इन्फेक्टेड ना हो, ज़रा सी भी, देख सकते दोस्तों। ये मैंने भी हाथ जो है सैनिटाइज़ कर लिए हैं, और अब हम लोग अंदर एंटर हो रहे हैं, और देख सकते हैं दोस्तों कितना शानदार ये प्लांट है, देखिए। तो ये है दोस्तों माजा बनाने की मशीन, और टेट्रा पैक जो बनता है, छोटा पैक माजा का, वो इसी मशीन के थ्रू बन रहा है, ये देखिए दोस्तों।
और जो ये पेपर है पैक करने वाला जिसमें ये पैकिंग होती है, ये देखिए दोस्तों, ये अभी दिखाते हैं आपके लिए। तो ये पेपर है दोस्तों, ये टेट्रा पैक के लिए ये पैक होके इसमें माजा जाती है। तो ये पेपर है, ये पेपर थाईलैंड से आता है दोस्तों, थाईलैंड से ये पेपर आता है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, इसको पूरा चौकोर किया जा रहा है। ये मशीन देखिए, इसको बिल्कुल अभी पिचका हुआ था, इसको चौकोर करके सांचे में डाला जा रहा है। और यहीं पर देखिए दोस्तों, अंदर ये फिलिंग हो रही है, इसमें अंदर माजा की फिलिंग हो रही है, अंदर भरा जा रहा है माजा, और इक्वल क्वांटिटी में भरा जा रहा है। ये देखिए पूरा मशीनरी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी बेल्ट चल रही है अंदर, तो काफ़ी तेज़ काम हो रहा है। और ये देखिए पूरी जानकारी दे रहे हैं हम लोगों के लिए कि किस तरह से ये बनाई जा रही है माजा, और किस तरह से ये बेल्ट पे चल रही है, कैसे कैसे क्वालिटी चेक हो रही है। देखिए दिखा रहे हैं कि कहाँ पर फिलिंग हो रही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये फिलिंग हो रही है, पूरा भरा जा रहा है ये माजा का पैक। और आगे दिखाता हूँ आपके लिए, ये बेल्ट पूरी चल रही है। देखिए ये देखिए दोस्तों, ये आगे पूरा प्रोसेस होके यहाँ से ये देखो, गोल गोल जो बेल्ट चल रही है इस बेल्ट में आएगा, और इस बेल्ट में आने के बाद ये पूरा पैक हो चुका है। पैक होने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, और इसमें बारकोड जो है नहीं लगा है। अब इसमें आगे स्कैन होके बारकोड लगेगा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पर पूरा मशीनों के थ्रू क्वालिटी चेक और हर चीज़ चेक हो रही है, क्वालिटी क्वांटिटी किस तरह से जो है पैक हो रहा है। और उसके बाद ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो आगे आप देख रहे हैं, ये बारकोड लगाया जा रहा है। अभी तक बारकोड नहीं था इन पैक्स पर, अब आगे बारकोड लगाया जाएगा। ये देखिए, अभी दिखाएंगे आपके लिए एक पैक। ये देखिए, ये देखिए, ये बारकोड जो है इसमें ये लगा दिया गया है। ये देखिए पूरा इसमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और कब एक्सपायरी होगी, तो ये सारी चीज़ें लगा दी गई हैं। ये देखिए दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्रांड है ये, काफ़ी चलता है माजा। और आपने देखा ये छोटा पैक इसका कैसे बन रहा है, तो ये पूरा बरेली में ही प्रोसेस हो रहा है, और काफ़ी लोगों को शायद पता भी ना हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़े स्तर पर काम हो रहा है। देखिए कितनी तेज़ी से मशीनें काम कर रही हैं, और लगभग 1 मिनट में ये 400 से 500 पैक बन जाते हैं। 400 पैक लगभग बनते हैं 1 मिनट में, और काफ़ी दूर दूर सप्लाई होती है इसकी। ये देखिए दोस्तों, पूरा जो है वर्कर बिल्कुल इस पर पैनी निगाह रखे हुए हैं कि बिल्कुल काम प्रॉपर तरीके से हो। ये देखिए फिर से लगा दिए गए हैं ट्रेटर पैक। इस तरह से इस मशीन में इनको जो है एंटर किया जाता है। ये देखिए, ये देखिए पूरा पेटियों में से निकाल के इसको इस तरह से, और इसमें एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, और दिखाते हैं इस प्रोसेस के बाद आगे क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें, क्योंकि काफ़ी प्रोसेस होने के बाद ही जो है आगे निकलती है पूरी माजा, और पैक होकर निकलती है। ये देखिए दोस्तों, इस साइड से मशीन देखिए किस तरह से काम हो रहा है। और हम लोग आगे चलते हैं, आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी लाइन चल रही है, ये बार कोड लगने के बाद यहाँ से आगे की साइड में ये लाइन चल रही है। हम लोग और अंदर एंटर हो रहे हैं, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है प्लांट। और अब हम लोग और अंदर एंटर होंगे, ये देखिए यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है। ये देखिए माजा जा रही है अंदर, पूरा चैन चल रही है, और अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं। ये देखिए माजा की लाइन पूरी चल रही है यहाँ पर, और ये लाइन जब पहुँच रही है आगे आगे इसमें और प्रोसेसिंग हो रही है। देखिए आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ दोस्तों, किस तरह से ये लाइन चल रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए, और देखिए कितने जो है आगे बढ़ के ये जो है पैक हो रही है। और देखिए अब इसमें जो है प्लास्टिक वगैरह से ये पैक होगी, जो आप इसके ऊपर पॉलीथीन लगी होती है वो पैक होगी, और साथ ही साथ इसमें स्ट्रॉ भी लगाई जाएगी अभी। ये देखिए जो इसमें स्ट्रॉ निकलती है दोस्तों, तो वो भी इसी में लगाई जाएगी अभी। ये देखिए इस मशीन से, ये देखिए ये स्ट्रॉ लगाई जा रही है। ये देखिए स्ट्रॉ ऊपर से आ रही है पूरी बेल्ट जैसी, और इसमें साइड से ये देखिए ये लगा दी गई। ये देखिए इस तरह से इसको पूरा पैक कर दिया गया है। तो अब इसमें स्ट्रॉ लग चुकी है, और स्ट्रॉ कुछ इस तरह से लगाई जा रही है, आप लोग देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा अच्छे से पैक होकर स्ट्रॉ लगकर ये जो है लाइन पूरी आगे चल रही है, और हमारा माजा का टेट्रा पैक जो है आगे की तरफ बढ़ चुका है। और आगे अब एक और मशीन में ये एंटर हो रहा है। ये देखिए काफ़ी प्रोसेस है दोस्तों, काफ़ी अच्छे तरह से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी फैक्ट्री का अंदर का जो है माहौल कैसा है। ये देखिए, तो
अब ये देखिए पूरा पूरा यहाँ पर जो है पैक होगा और एक पूरा पेटी टाइप की यहाँ पर बनाई जाएगी। देखिए दोस्तों ये पूरी पूरी लाइन बना के ये 50-50 पीस की या जो भी पीसेस हैं यहाँ पर उनकी ये लाइन बनाई जा रही है और उस तरह से यहाँ पर इसको पैक किया जाएगा। आगे देखिए, ये देखिए पेटी में पैक हो रही है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से पेटी में पैक होके और ये आगे के लिए बढ़ गई है। पूरे पूरे इस तरह से पीस बन के निकल रहे हैं और एक पेटी में लगभग 50 होती होंगी जहाँ तक है। ये देखिए अब यहाँ से ये आगे बढ़ रही है पेटी और ये पेटी आगे बढ़ के इस बेल्ट से देखते हैं कहाँ जाती है। ये देखिए अब अगली मशीन में ये जा रही है पेटी। अब आप देख सकते हैं नज़ारा पूरा। ये देखिए अब ये पेटी जो है यहाँ पर पूरी पॉलीथीन में पैक हो रही है। ये देखिए पॉलीथीन लग गई इसमें। पॉलीथीन लगने के बाद ये पूरा पैक बढ़िया करके हो चुकी है। ये देखिए कुछ इस तरह से पैक हो गई पूरी पेटी निकलती है और पैक होने के बाद अभी भी ये बेल्ट पे चल रही है और बेल्ट पर चलने के बाद ये कुछ इस तरह से इसको इकट्ठा करके और इतनी बड़ी फैक्ट्री में मशीनों के थ्रू इनके पूरे पूरे चट्टे लगाए जाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग और कितनी बड़ी मशीनरी है। और देखिए ये कोका कोला की पेटियाँ लगी हुई हैं तो आप देख सकते हैं ये लिमका अभी चल रहा है, लिमका बनाया जा रहा है। और आप देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है ये दोस्तों। ये मशीन उठा रही है सारी क्रेटों को और अंदर तक चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये लिमका की प्लेट पेटियां हैं और यहाँ पर लिमका की जो है देखिए बॉटल्स पूरी सफाई करी जा रही है, उनकी पूरी रिसाइकिल की जा रही है बढ़िया करके। रिसाइकिल का मतलब ये नहीं है कि दोबारा बनाई जा रही है लेकिन उनको अच्छे से क्लीन अप किया जाता है। ये देखिए सारी बॉटल्स हैं क्लीन होके और बेल्ट पर चल रही हैं। ये देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आप लोग देखिए नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। और ये देखिए पूरा बेल्ट चल रही है, इसी प्रकार से कुछ काम हो रहा है। कितना बड़ा प्लांट है दोस्तों, आप लोग देखिए कितना शानदार प्लांट है। तो अभी ये सारी बॉटल जो है बेल्ट पर चल रही हैं और वन बाई वन इनका भी प्रोसेस होता है। पहले धुली जाती हैं, खूब अच्छे से धुली जाती हैं, क्लीनअप की जाती हैं और फिर इनका चेकअप होता है, पूरा चेक की जाती हैं कि कोई टूटी तो नहीं है जैसे मैंने आपको दिखाया था पहले। और उसके बाद इसमें लिमका फिल की जाती है। देखिए दोस्तों लिमका इसमें भरी हुई है, ये देखिए सब भर के और पैक होके ये बेल्ट पर जा रही है और उसके बाद ये पेटी में पैक हो रही है। ये देखिए इतना शानदार नज़ारा है। और हम लोग अभी भी पैरों में जो है प्लास्टिक की जो है कवर पहने हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, जिससे ज़रा सा भी कोई हाइजीन में प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं हम ऐसे ही लोग मूड और बन गया जाने आगे का ना, दिखाता घूमने हूँ का। आपके लिए कि किनले की बोतल कहाँ बन रही है। ये देखिए कितनी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों, आप लोग देखिए नज़ारा कितनी बड़ी फैक्ट्री है। और अब हम लोग निकलते हैं बाहर की तरफ और आप लोग फैक्ट्री देख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों ये नज़ारा कितना शानदार है, ये सारी बॉटल्स इसमें रखी हुई हैं तो इस तरह से पेटी बनाकर और मार्केट में भेजी जाती हैं। और अब हम लोग बाहर के साइड में जा रहे हैं दोस्तों। ये देखिए ये है किनले, ये देखिए किनले बन रही है यहाँ पर। किनले पानी की बोतल जो आपने ज़रूर पी होगी, कहीं ना कहीं स्टेशन पर भी बिकती है और कहीं भी आप पानी की बोतल मांगेंगे तो किनले या बिस्लेरी का ही नाम चलता है अधिकतर। तो ये किनले ब्रांड बन रहा है और हम लोग बाहर आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों ये किनले की बोतल जो है बेल्ट पर रखी हुई है, बेल्ट चल रही है। ये किनले की बोतल कुछ यहाँ पर पैक हो रही है इस तरह से और अंदर पूरा इसका प्लांट चल रहा है। किनले का पूरा एक सेटअप अलग बना रखा है। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरी साइकिल चल रही है, किनले की बेल्ट चल रही है अंदर, है ना। तो किनले भी कुछ इस तरह से सही है, बढ़िया है। बनाया जा रहा है और हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं अब। तो काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है दोस्तों और आपको दिखाता हूँ आगे। जब हम लोग एंटर हुए थे तब भी हम लोगों ने पूरा यहाँ पर साइन वाइन किए थे और हर चीज़ नोट हुई थी हमारी। ये देखिए दोस्तों किनले की बॉटल जो है यहाँ पर अंदर किनले पैकिंग जो चल बिकता रही है है। सब यहीं ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी सफाई वगैरह हो रही है बॉटल्स की। ये देखिए लिमका की बॉटल जो है यहाँ पर सफाई वगैरह हो रही है, सारी चीज़ चेक करी जा रही है यहाँ पर। तो एक बॉटल कई प्रोसेस से होकर गुजरती है दोस्तों। आपने देखा पूरी फैक्ट्री कितनी शानदार, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, हर किसी की एंट्री नहीं है अंदर। और आप देखिए अंदर का नज़ारा। अब हम लोग बाहर निकलने वाले हैं तो बाहर निकलने के लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ये देखिए पूरा साइन वाइन करना पड़ता है और हर चीज़ आपकी नोट होगी यहाँ पर। और जब
पूरा प्रोसेस है एक अच्छा सा, जिसके तहत हमें गुजरना पड़ता है। और आप देख सकते हैं नज़ारा, सबको साइन करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, आपका नंबर लिखना पड़ता है। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल।